नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और टेक सेंटर में आप सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी कभी किसी मॉल पे शॉपिंग करते वक्त अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हो पीओएस मशीन से। कभी सोचा है ये मशीन कैसे काम करता है? ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये पीओएस मशीन कैसे काम करता है। दोस्तों, होता यह है कि पहले तो आप अपना कार्ड जब स्वाइप करते हैं पीओएस मशीन से, पीओएस मशीन में जो होता है ट्रांजेक्शन, वो आपका सीवी कोड को स्कैन करता है, फिर आपने सर्वर को भेजता है वो सीवी कोड, फिर सर्वर से आपका सीवी कोड का अकाउंट नंबर, आपका नाम, जो डिटेल्स होता है वो आता है। फिर आप पीओएस मशीन में कितना पैसा कटवाने चाहते हो वो डालते हो, फिर आपका पिन डालते हो, बाद में वो सर्वर को भेजता है आपका पिन और अमाउंट जो भी आप डालते हो, वहाँ पे चेक होता है, आपका पिन चेक होता है क्या ये ठीक है, क्या आपका पिन सही है, और जो रुपीस आपने डाला है क्या वो अवेलेबल है आपके अकाउंट में, ये सब वहाँ पे चेक होता है। फिर बाद में आपका पैसा आपके अकाउंट में कट जाता है। आप जब भी किसी पीओएस मशीन को देखते हैं, वो किसी ना किसी कंप्यूटर से जॉइंट होता है और वो कंप्यूटर इंटरनेट से जॉइंट रहता है। एक बार में बोले तो पीओएस मशीन इंटरनेट के सहारे काम करता है। अभी भी कुछ पीओएस मशीन है जो के सिम आप सिम कार्ड भी लगा सकते हो, लाइक जियो की सिम लगाकर आप डायरेक्ट इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, तो वहां से आपकी अकाउंट से कनेक्ट होता है पीओएस मशीन, फिर आप उसे यूज करते हैं। हर पीओएस मशीन आपके अकाउंट, जो उसका ओनर है उसके अकाउंट में जॉइंट होता है। जब भी आप किसी कस्टमर के पैसे काटते हो तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ पीओएस मशीन के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे। हाँ, कुछ गलती है तो कमेंट करके नीचे बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी मोटिवेट से मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेते लाते रहूँगा। ओके देन, गुड बाय, जय जगन्नाथ।